अब पाए देश दुनिया की ताजा तरीन अपडेट सिर्फ न्यूज 21 पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे। आप देख रहे हैं न्यूज 21। हमारे खास बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। पेश है आज के मुख्य समाचार। शहर के चांदपोल गेट स्थित एक ज्वेलरी दुकान का चोरों ने ताला तोड़कर लाखों रुपए के सोने चांदी के गहने चोरी कर ले गए। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में तीन चोरी चोर करते हुए नजर आए। मंगलवार को घटना की जानकारी मिलने पर पीड़ित ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जानकारी के अनुसार चांदपोल गेट के पास महेंद्र पुत्र नारायण लाल सोनी की लक्ष्मी ज्वेलर्स के नाम से दुकान है, जो हमेशा की तरह सोमवार शाम को दुकान पर ताला लगाकर महेंद्र घर चला गया। मंगलवार सुबह दुकान के ताले टूटे होने की सूचना पर वह दुकान पहुंचा। महेंद्र सोनी का कहना है, दुकान से चोर 1.5 किलो चांदी, 1.5 तोला सोना ले गए, 15,000 रुपये कैश चोरी कर ले गए। चोरी हुए गहनों की बाजार में कीमत 2.5 लाख रुपये है। घटना को लेकर उन्होंने सोजत थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। वहीं लगे सीसीटीवी कैमरे में तीन चोर दुकान में चोरी करते नजर आए। चेहरे भी सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए। मैं महेंद्र सोनी, चांदपोल गेट सोजत सिटी में मेरी दुकान स्थित है ज्वेलरी की। सोमवार की रात को 2:30 बजे करीब चोर आए और मेरी दुकान के ताले तोड़े और उसके बाद वो वापस चले गए और 20 मिनट के बाद वो वापस लौटे और मेरी दुकान से करीब 1.5 किलो चांदी और 1.5 तोला सोने का आइटम और लगभग 15,000 रुपये कैश रखे थे वो लेके गए